तो देखिए यहां पे भी हमें एरर ठीक निकालना है और उसके बाद उसको ठीक करना है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ए प्लस फोर इंटू ए प्लस टू। इसको सोल्व करेंगे तो पहले ए से ये ए प्लस टू जो है पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस फोर से फिर ए प्लस टू को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो ए से ए को मल्टीप्लाई करा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ए मल्टीप्लाई बाय ए, जब बेस सेम होता है तो पावर जो है वो प्लस हो जाती है, और ए के ऊपर कोई पावर नहीं तो वन लेते हैं। तो क्योंकि किसी की पावर अगर जीरो हो तो उसका आंसर कितना आता है? वन, ये याद रखिएगा। तो यहां पे पावर जीरो नहीं है, क्योंकि अगर जीरो होती तो फिर ये वन आता है, इसकी जगह ए नहीं आता। तो इसके ऊपर वन पावर आएगी और यहां पे वन, और बेस सेम है तो पावर आपस में प्लस हो जाएगी, तो वन प्लस वन हो जाएगा हमारा टू। और वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे टू, मतलब ए को टू से, तो आएगा टू ए, और यहां पे फोर ए, और फोर टू जा एट, ए वाली टर्म आपस में प्लस हो जाएंगी, तो फोर प्लस टू सिक्स ए प्लस एट। लेकिन जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है उसमें राइट हैंड साइड जो वो है ए स्क्वायर प्लस एट, तो ये इसके बराबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ये है कि ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए प्लस एट बराबर होगा हमारे इसके, क्योंकि इसी को सोल्व करके ही आया है, तो ए प्लस फोर और ए प्लस टू। या आप ये बोल सकते हो कि भी ए प्लस फोर इंटू ए प्लस टू बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए प्लस एट के। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी और क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।